इजाजती दी। इमरान खान से एक ऐसा सवाल कर लूं जो शायद हो सकता है इलेक्शन में इनसे सवाल किया जाए, और मुखालिफ जमातों ने सवाल तैयार कर लिया है, उस सवाल को मैंने देखा कि किसी और तरीके से किया भी गया। वो ये कहते हैं जी इमरान खान जब लाहौर में होता है तो दूसरा इमरान खान, दिल्ली में होता है तो तीसरा इमरान खान, अमेरिका में होता है तो चौथा इमरान खान, लंदन में होते हैं तो पांचवा इमरान खान। यानी इमरान खान इसको प्रूव भी कर सकता हूं, मैं किसी का नाम लेना चाह रहा हूं ना किसी प्रोग्राम का नाम लेना चाह रहा हूं, हम तो अपने चले, मैं तो अपने हवाले से, ये मेरे भी जहन में सवाल हो सकता है। चले मैं तो वही उनका ख्याल ये कि इमरान खान की शख्सियत में कंट्रडिक्शन है, इमरान खान की जो है पॉलिटिक्स में तजारात हैं, और वो जो है एक जो उनका जो वेस्टर्न, बल्कि एक जमाने में आपको याद है कि वो कहते थे जी ठीक है बड़ा एक वेस्टर्न लुक वेस्टर्न बातें हैं, लेकिन अंदर से जो है, बल्कि वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जी एक उनके अंदर जो है एक तालिबान जो है वो जो एक आपका इस्तेमाल किया है छुपा हुआ। अच्छा अब मुजाहिद साहब देख लें, एक तरफ यहूदी लॉबी मगरबी, दूसरी तरफ तालिबान, यानी कि मैं कोई इतना मुश्किल आदमी समझने के लिए हूं ये बताए ना कि या तो तालिबान होगा या यहूदी लॉबी होगा, यहां बैठे हुए कई, या हमारे पैसे लेके जो ये अमरीकनों के लिए लिखते हैं, या ये जो टोडी बैठे हुए हैं इनके, लेकिन मुझे ये बताएं कि या इतना मैं फर्क हो सकता है मेरे में कि पहली इलेक्शन के अंदर मुझे अटैक किया कि मैं यहूदी लॉबी का हूं, और अब मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैं तालिबान हूं, क्या ये नहीं हो सकता कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, मेरी एक तारीख है पीछे, मुझे लोग 35-40 साल से जानते हैं, मैं जब अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलता था क्या कभी अपने लोगों को भी शर्मिंदा करवाया, हारता भी था तो लोगों को पता चलता था कि लड़के हारता था, जो भी मैंने जिंदगी में किया सोशल वर्क किया मैंने किसी के लिए नहीं किया, मैंने अपने अपने अल्लाह के लिए किया, मैं अगर पॉलिटिक्स कर रहा हूं मुझे बताएं मुझे किस पॉलिटिक्स क्या दे सकती है, हो सकता है कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि मेरा जीना मरना इधर है, मैंने मेरा और कोई बाहर ना महल है ना कुछ है ना जगह है, बाहर से पैसा कमा के सारा पाकिस्तान लेके आया हूं, सब कुछ इधर है, तो हो सकता है कि मुझे शायद पाकिस्तान की उन लोगों से ज्यादा दर्द हो जिन्होंने सारे बाहर अपने मालात और रखे हुए हैं, रिटायरमेंट पेंशन स्कीम सारी बाहर पड़ी हुई है, बैंकों में पैसा है। मुझे यह बताएं, एक मेरा रिमार्क बता दें, अब विकीलीक्स के अंदर मुझे बताएं जो इंकशाफ हुआ है, उन्होंने कहा एक लीडर है, एक सारे पाकिस्तान में जो बाकियों से लीडर था, जो बाहर कहता था वो अंदर से वो कांग्रेसमैन को उसने क्या कहा था, वो सारा विकीलीक्स के अंदर है। आप अमेरिकन एम्बेसडर से अगर इसके जो मेरे साथ 1.5 घंटे की मीटिंग हुई, एक चीज जो मैं पब्लिक में आपके सामने कह रहा हूं जो मैंने उसको कोई फर्क बात कही हो, सारी चीजें मैंने कहा आपकी जंग गलत है, ये आप जीत नहीं सकते, आपको मुजाकरात करने पड़ेंगे, मैंने कहा कि आप ये जो टोडी पाले हुए हैं, ये जो आप पपेट शो है, पुतले पाल लेते हैं मुल्क में, जिनकी बदनामी आपके ऊपर आती है, एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ रही है, रेमंड डेविस, एक चीज जो मैं पब्लिक में जो कहता हूं वो मैंने उसको प्राइवेट में कही, ठीक। मैं अमेरिका के थिंक टैंक्स के अंदर, एशिया सोसाइटी में, रैंड कॉपरेशन, सारी जगह जो मेरा मौकफ यहां वो मैं वहां कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं मुझे कोई एक मेरी स्टेटमेंट बता दे तो जो बाहर मैं कही है, जो यहां कोई मुख्तलिफ स्टेटमेंट हो।